टू माई एस वाई एजुकेशन फॉर मिशन चैनल में गाइज टूडे आई एम प्रेजेंट पैराडाइलॉज्ड एम सी क्यूज मोर एम सी क्यूज लेकर के प्रेजेंट हैं। तो प्लीज़ गाइज एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें और लाइक भी करें यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एम सी क्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे गाइस, दिया हुआ है कि पैराडाइज ये वन लाइनर एमसीक्यूज है और बहुत ही मोस्ट है। तो यूपी जो है यूपी के पीजीटी के एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो पैराडाइलॉज्ड वाज स्टार्टेड इन से बिल्कुल करा रहे हैं तो दिस आंसर हो जाएगा 1658 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि पैराडाइलॉज्ड वाज कंप्लीटेड इन, तो कंप्लीट कब हुआ था गाइज, तो 1663 में कंप्लीट हो गया था पैराडाइलॉज्ड। नेक्स्ट है कि पैराडाइज लॉज वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पहली बार पब्लिश कब हुआ था, रोड तो कब हो गया था, सॉरी स्टार्ट तो हो गया था 1600 जो है 58 में, कंप्लीट हो गया था 163 में गाइस। तो ये तो कंप्लीट हो गया था, रोड स्टार्ट हुआ था इसमें और कंप्लीट यहाँ पे हो गया था। और जो है पब्लिश कब हुई थी, तो पब्लिश गाइस यहाँ पे देखेंगे 1667 में। तो आई होप कि पता हो गया होगा कि कितने वर्ष बाद आपका ये जो है कंप्लीट पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पे 1667 पैराडाइलॉज्ड वाज पब्लिश इन, कितने बुक जो है इसमें पब्लिश हुई थी, तो 10 बुकों में 1600 यहाँ पे देखेंगे 1667 में 10 बुक क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। अब पैराडाइलॉज्ड वाज जो है पब्लिश्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन, दूसरी बार जब पब्लिश हुई थी तो कब हुई थी गाइस, 1674 में। इतना याद रखना कि पहली बार 67 में और सेकेंड बार में पब्लिश हुई थी तो 74 में गाइस। अब देखेंगे नेक्स्ट कि 1674 गाइस पैराडाइलॉज्ड वाज जो है पब्लिश इन, कितने बुक में पब्लिश हुई थी, सेकेंड बार में तो 12 बुक पब्लिश हुई थी, फर्स्ट बार में 10 और इसके बाद 12 बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पैराडाइलॉज्ड इन रिटेन इन, तो ये ब्लैंक वर्ज में लिखी गई थी गाइस। नेक्स्ट देखते हैं कि हीरो ऑफ पैराडाइलॉज्ड इज, तो इसका जो है इसमें शैतान जो था इसमें हीरो था गाइस। और देखेंगे इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइलॉज्ड, इसकी थीम क्या थी कि टू जस्टिफाई द अवेज ऑफ गार्ड टू मैन। तो यहाँ पे इसका ए रहा, आई होप कि आप पूरा थ्योरी पढ़े होंगे कि पता होगा, इदम और इवन थे दोनों को दंड दिया गया था, ठीक है, गार्ड ने दिए थे गार्ड के मान। यहाँ देखेंगे फर्स्ट मिल्टन थॉट टू राइट एन ईपिक, तो यहाँ पे किंग आथर। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज, देख सकते हैं कि लेटर चेंज्ड हिज सब्जेक्ट एंड रोट ऑन द, तो फॉल ऑफ मैन हेल में जाना सब्जेक्ट था यहाँ पे, अ प्रोडी ऑन पैराडाइलॉज्ड इज, तो क्वाइंस था आंसर इसका हो जाएगा। वन डॉक्ट्रिन्स इज फॉर्न इज पैराडाइलॉज्ड विच वन, तो फ्रीडम ऑफ विल ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे पैराडाइलॉज्ड इज द बेस्ड ऑन, किस पे थी बेस है, तो ए वाइबिकल थीम्स पर बेस है गाइस। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट सैतन जो था इन कंपेयर टू किसे किया गया था, तो लाइफ देन से कंपेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि वेन डू आदम्स एंड इवेन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम मिले थे,
किस बुक में, तो यहाँ पर इन बुक नंबर 4 में मिले थे गाइस। यहाँ देखेंगे बुक नंबर 3 मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल एंड तो डिवाइन जस्टिस हो जाएगा इसका आंसर गाइस। यहाँ पे माइकल्स टेल क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे कि माइकल टेल्स आदम अबाउट द फ्यूचर इन तो बुक नंबर 12 से लेके एंड 11 से 12, ठीक है, फ्यूचर की बात की गई है बारे में। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन हु लीड्स आदम्स एंड इवन आउट ऑफ पैराडाइज तो माइकल ने के माध्यम से ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हु इज कंसीडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यू अगेंस्ट सैतंस तो यहाँ पे अब्देल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज हम। मिल्टन इन वॉल्क्स अ म्यूज तो 3 times यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द मैन अर्ची टेक्स ऑफ द पॉन्डिम्यूजम्स इन तो इसका आंसर हो जाएगा मूल सी बर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि मिल्टन यूज्ड तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि मोरिक्स जो है सिमले इन द पैराडाइज लॉस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट सैतन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट तो जॉन ड्राइडन हो जाएगा। जॉन ड्राइडन्स द सैतन्स ऑफ इन इनोसेंस इन द वेस्ट अन तो पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि शैतन आदम सैतन एंड इवन हर शेल्फ आर याल डिजर्ड बाई इवेंस तो ब्यूटी आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी डे बिफोर द फॉल्स आदम्स एंड द इवेंस क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इवेंस वेंट आउट वर्क दैट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ तो यहाँ पे टेंडिंग्स टू द गार्डन ऑफ इडेंस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट तो इवन ने फ्रेश दी थी फर्स्ट बार खाने के लिए तो दोनों मिलकर के खाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ हेल तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि द पोंडे म्यूजियम्स हो जाएगा आंसर। इवन इज मोस्ट सरप्राइज्ड बाय द सर्पेंट्स एबिलिटी टू तो टाल्क आंसर हो जाएगा इसका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।